आज खेत में पानी डालने का काम चल रहा है और बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम छोटी छोटी ये ड्रेन टाइप खोदते हैं वैसे खोदी हुई है ताकि पानी सब जगह चला जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लीक हो रहा है और आप देख सकते हैं एक माइकल जैक्सन है हमारे खेत में जो कि ऐसे ही एक ही पोज है इसका, ये अपने पोजेस चेंज नहीं करता, मीन स्टेप्स चेंज नहीं करता, बस इसी मुद्रा में रहता है ये। इसका फेस दिखाता हूँ मैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अभी ये सीधा है कि उल्टा है। खोपड़ी तो खैर इसकी इस तरफ घूमी हुई है बट जीन्स का बखूबी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। स्केयरक्रो पता नहीं ये डरा पाता है कि नहीं, इसकी जो हालत है ये जरूर डर जाता होगा। बाकी खेत पे अभी खेत में बहुत कुछ है, मतलब सब्जियां ही हैं जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये है अरहर की जो दाल होती है उसका पेड़ है। आई मीन ऐसे ही बहुत सारे हैं खेत में छोटे 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 छोटे, जैसे कि वहाँ है, वहाँ है, वहाँ वहाँ और वहाँ ये, तो नॉर्मल जैसे बीन्स होती है फिर उसके अंदर से दाना निकलते हैं, बस वही है अरहर की दाल। और परवल है, परवल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बैंगन भी देख लो, हरे वाले बैंगन और परवल बहुत अच्छे हुए हैं, हदी साइज है, मतलब परवल बहुत ही सुंदर, मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं कि तोड़ने का मन नहीं करता, देखते रहो इनको, बहुत सुंदर। और पपीते के पेड़ जो कुछ टाइम बाद ज़रूर पपीते देंगे। कद्दू है, लौकी है, उसके बाद पपीता तो देख ही पा रहे हैं, पपीते के ही पेड़ है सारे, देखिए पपीते के पेड़ ज़्यादा दिखेंगे। और ये एक छोटा सा तालाब भी है हमारा, ये मतलब हाँ इसमें मछली हो जाती है खाने की। एक्चुअली यहाँ मतलब हमारे इस रीजन में अभी बारिश नहीं हुई है, पिछले 9-10 महीने से बारिश नहीं हुई है, जो कि वही क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं आप, क्योंकि पहले बहुत बारिश हुआ करती थी इस टाइम पे, हम जो देख रहे हैं मतलब बचपन से, बट अभी नहीं हो रही है। बट उम्मीद है, वेदर फॉरकास्ट तो यही कहता है कि अगले हफ्ते में शायद बारिश हो, चांसेस हैं 60-70%। और ये हमारे यहाँ पूछा कहते हैं, जो बंगाली हैं वो जानते होंगे ऑफकोर्स, बाकी मुझे पता नहीं कहीं और भी होता होगा ये ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा होता है ये भी, टेस्टी लगता है। और एक आम का पेड़ लगाया था डैड ने, आम तो नहीं लगे अभी बट बड़ा हो गया ठीक ठाक, आम है, गन्ना है थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले पापा ने इस पे पूरा गन्ना लगाया था बट बाद में पता नहीं उनका मूड चेंज हो गया, उन्होंने कहा अब गन्ना वन्ना कुछ नहीं होगा, अब इसमें सब्जियाँ उगाऊंगा मैं, ठीक है भाई अच्छी बात। ये सुपारी का पेड़ है एक, ये वाला ये सुपारी का पेड़ है, तो ऐसे बहुत सारे सुपारी के हैं, अगले खेत बाद में दिखाऊंगा। ये हमारे 3-4 मतलब ले रखा है लैंड हम लोगों ने, तो उसमें से एक है जिसमें सब्जियां हैं सिर्फ, बाकियों में सिर्फ हमने पेड़ वेड़ ही लगा रखे हैं, ऐसा कुछ और नहीं है। और ये यहाँ पर वो सबमर्सिबल टाइप है, पंप है, तो अभी जैसे पानी दिया जा रहा है तो यहीं से हम पुल कर रहे हैं, तो ये पापा का छोटा सा पर्सनल पंप हाउस कह सकता हूँ, बस यही है। ये भी एक फ्रूट होता है, हम चालते बोलते हैं, इसका अचार बनता है गैस,
बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध है। चलते ये रहा, इसके पत्तों से पता लग जाएगा आपको, बहुत ही अलग टाइप के पत्ते होते हैं। सब्जियों का टूर कराऊंगा अगली वीडियो में, और भी सब्जियां दिखाऊंगा। बाय बाय।